भाई साहब देखने का जो नजरिया है वो हम लोग बदल रहे हैं मिलके। चलिए साथ में बदला जाए। भैया बता रहे डॉक्टर साहब हम नहीं कराना है बस। हम उनसे बात कर रहे हैं ना। आपका स्वागत है जी इस नए प्रैंक में। और ये जो पीछे वाले भाई साहब हैं ये बैठते ही मुझे पहचान गए और उसके बाद ऐसा चिपके कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बोले आप कार प्रैंक करिए मैं आपके साथ बैठूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई बैठ जाओ दिखा देते हैं। शुरू करते हैं। आपको भी निक साथ उतारना है? नहीं आप पहले उतर जाओगे। हैं ये चाचा सीट बेल्ट लगा लो। वेरी नाइस। हर कोई कर नहीं पाता है काम जो आपने कर दिया। हम सावेक गाड़ी में चला था है पोखराम है। हाँ अग्रवाल साहब है। अच्छा अग्रवाल साहब की गाड़ी चलाते हो? नहीं चलाते नहीं है। चलते हो उनके साथ? उनके साथ जाते हैं काम। अच्छा वो चलाते होंगे आप बैठते हो? बैठ जाते हैं काम हम देखते हैं। हाँ सर हम भी बैठा लेते हैं सवारी। नहीं ठीक रहता है बोले बता रहे टाइम भी कट जाता थोड़ा बहुत। नहीं टाइम नहीं कट जाता। हमारे जो दादाजी थे ना वो हम लोग को ऐसी शिक्षा देकर गए हैं। हमारे दादाजी कहा करते थे कि सेवा हमेशा जहाँ मौका मिले वहाँ कर देनी चाहिए। इस समाज को बदलना है तो हमने और उन्होंने मिल के ठाना कि समाज को बदला जाएगा तो हम लोग दोनों समाज बदल रहे हैं। और हर कोई नजरिया नहीं बदल पाता। नहीं बदल पाता सब आदमी आजकल 100 में 95% तो ये है कि अपना देखते हैं। 5% आदमी दूसरा का भला करते हैं। ये बात अब वो हम लोग 5% बस। हाँ उसी 5% में 95% हम समाज घूमे हैं। हाँ जानते हैं कि अपना भला चाहते हैं दूसरा बिगड़ जाए बिगड़ बस। लेकिन हमारे दादाजी ऐसे नहीं थे। नहीं हम सब की नहीं वही कह रहे 5% आदमी है भी बहुत अच्छे आदमी। हाँ उन्हीं में से वो थे 5% में से। वो अपनी शिक्षा हमको आगे दे के गए। दादा तिग्मांशु धूलिया अपना। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा। वैद थे वैद। हाँ तो हमसे बोल के गए थे कि तुमको बेटा हमारी ये जो वो कहते ना काफिला आगे बढ़ाना है। हाँ अपने जो व्यवहार अच्छा करना है। हाँ बस कह रहे जो भी मिले उसको बस बैठाना गाड़ी में और गाड़ी में बैठाने के बाद उसका देखने का नजरिया बदल देना। तो हमने फिर जो है इसी लाइन में आ गए मेडिकल लाइन में। वो वैद्य थे हम आंखों की जांच करने लग गए। कौन से डॉक्टर साहब कौन सा अस्पताल? अरे हमको बताते पहले। हाँ सर अभी आप तो मिले पहले कहा था बता देते। इनका ऑपरेशन अभी हमने किया है आंखों का। अच्छा इनका भी समाज को देखने का नजरिया बदल गया। तब से हमारे साथ ही रहते हैं ये। फीस दे नहीं पाए थे। अच्छा तो बोले कि आपके साथ हम अगर हमने ठीक है फिर हमारे साथ रहो। हमारे दादा से जो विद्या मिली है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिताजी की है इससे आगे थोड़ी बढ़ेगी तो बच्चे तुम्हारा भी आगे नाम लेंगे। हाँ भी आगे थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हाँ तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। असल में उनके पास एक ऐसी विद्या थी जो हमको दे गए जाते जाते। अच्छा ठीक है। तो समाज में जो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है ये हमारे इसी लोगों की वजह से आ रहा है क्योंकि दादा ने हमारे जो हमको तकनीक सिखाई है वो समाज को बदलने का नजरिया लोगों को जो बदलना सिखाया है वो सिर्फ हमारे पास है तकनीक। तो उन्होंने बोला था कि दिन भर में जो भी तुम्हारे साथ एक आदमी को गाड़ी में बैठाना है और उसका समाज के प्रति नजरिया बदलना है तो वही हम काम करते हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी सर्जरी रहती है खत्म। उसमें क्या रहता है कि जैसे आंखें आदमी की सामने देख रही हैं जीवन भर। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी लगभग है 48 साल। तो आप बताओ 62 के लगते हो आप है कि नहीं। तो इसमें क्या रहता है कि उस विद्या में हम उसको एडमिट करते हैं
एडमिट में क्या करते हैं उसका नजरिया बदलना हमको देखने का। ये आंख जो आपकी है बचपन से लगी हुई है, हम इसको बदल देते हैं, इधर वाली इधर, इधर वाली पुतली इधर। उसके बाद जब आपको होश आएगा, आपको समाज को देखने का नजरिया बदल जाएगा, तो आप भी इसके बाद बोलेंगे कि वाह ऐसी दुनिया तो थी नहीं पहले, बदल गई एकदम। हाँ नोचू। हाँ प्रणाम। हाँ बोल रहे हैं, एक तैयारी कर लो फिर एक। हाँ हाँ वही अपना नजरिया बदलने वाला। हाँ नहीं उनको शाम का रख लो, अभी का एक कर लेते हैं। ठीक ठीक। तो हमको नहीं कराना है? हमको नहीं कराना है। तो कैसे बदलेगा नजरिया आप? नहीं भाई हमको नहीं करना है। ना भाई आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, आप नहीं नहीं हैं, हमको नहीं कराना। आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे समाज नहीं बदल पाएगा इसे। नहीं हमको नहीं कराना। आप इधर बैठिए, आप धूप आंखों में धूप आ रही ना आपके सीधे, आप इधर बैठिए। नहीं हमको नहीं कराना चाचा। आप खुद कहोगे दुनिया, आप खुद कहोगे दुनिया कितनी खूबसूरत है। अरे भैया हमको नहीं कराना डॉक्टर साहब, बस हमें नहीं कराना। उसको देख के लग रहा है कि आपको उसको हुआ है। हमको नहीं कराना। आपको कोई तकलीफ हो रही है? अरे डॉक्टर साहब हमको प्रॉब्लम नहीं कराना है, हमको कुछ नहीं कराना। आपकी आँख ही बदली जाएगी आपकी। अरे हमको नहीं कराना डॉक्टर साहब। आप खुद बोलोगे बाहर निकल के? वाह। अरे ना भाई हम नहीं कराना। आप हम अपनी किसी और की आंख नहीं लगा रहे ना। आज की डेट में आदमी किडनी निकाले ले रहा है। कुछ नहीं कराएंगे। आज की डेट में किडनी निकाले ले रहा, लीवर निकाले ले रहा। आपको तो समाज में हमको कुछ नहीं कराना है। तुम्हारे दादाजी के सपने क्या होगा? अरे कुछ नहीं, हमको आँख से कोई लेने दे। आँख कभी नहीं खराब दादा बदली करते चश्मा लगाते कभी आज तक। इसीलिए तो कह रहे हैं जब आप ये इतनी दुनिया खूबसूरत दिखेगी आपको कि आप बोलोगे वाह। अरे हमको नहीं कराना डॉक्टर साहब। ये सब जो आपको अभी सब दिख रहा है ये सब कचरा है, ये सब जो आदमी जो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा। अरे डॉक्टर हमको नहीं कराना है, कुल मिला के नहीं कराना है। आपको हमको भरोसा ही नहीं हमारे दादाजी विद्या पे? हमको नहीं कराना है। आपको विद्या भरोसा नहीं? अरे हमको नहीं कराना, नहीं कराना, नहीं कराना। तो ये वो थोड़ी तीन बार आपने बोला तो कैंसिल हो गया। ये होता है बोलो कैंसिल, उसके बाद होता कैंसिल। हाँ तो हमने बता दिया कराना नहीं। अब हम क्या करें फिर? क्या करें? ऐसे समाज कैसे बदलेगा? नहीं हमको ऐसे समाज नहीं बदलना। समाज की दृष्टि कैसे बदलेगी? अरे हमको नहीं कराना, नहीं कराना। दृष्टिकोण का क्या होगा? अरे हमको कराने नहीं है। इनसे पूछ लो, ये जाएंगे। हाँ है बुला लो, ये जाएगा। बोलो ये देखो ये सब जानते हैं हमको। हाँ तो इनको बुला लो। ये नहीं इनका तो हो चुका ना, इनसे पूछते हैं। भैया आगे देख, चलो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देंगे। समाज समाज बदलना है समाज। मालूम है ये बता रहा मालूम नहीं भाई साहब, देखने का जो नजरिया है वो हम लोग बदल रहे हैं मिलके। चलिए साथ में बदला जाए। भैया बता रहे डॉक्टर साहब हम नहीं कराना है बस। हम उनसे बात कर रहे हैं ना। अरे तो खोलो जी खिड़की, हम नहीं उतरना। हमें उतार दीजिए, हमें उतार दीजिए। देखने का नजरिया बदलना है समाज का। हमें उतारा है भैया, दवाई बता रहे ले। हमको दवाई भी देंगे भैया है? हमको बता रहे हो तुम। चाचा नाम क्या था आपका? जगदीश। जगदीश हाँ। जगदीश चाचा प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रणाम ठीक है। धड़कन थोड़ी बढ़ गई। देखिए मजाक कर रहे थे, कैमरा लगा हुआ है। सुनिए तो। अरे उतार रहे हो। कोई डॉक्टर नहीं है, पहले बात सुनिए भाई। ये हम वीडियो बनाते हैं हंसी मजाक वाला, खाली इसलिए बनाते हैं कि ऐसे अनजान गाड़ी में चाचा मत बैठा करो किसी के साथ। कोई मान लो कल को गलत निकला है आदमी तो क्या करोगे, है कि नहीं? हम तो तफरी कर रहे हैं, घबराओ मत, पानी पी ले थोड़ा। नहीं पानी नहीं, हमें तुम उतार दे बस। अच्छा बस, बस। उतार रहे सुनो हाँ। लेकिन इतना बोल लो आगे से अनजान गाड़ी में सोच समझ के बैठे। हाँ आगे से अनजान गाड़ी में सोच समझ के बैठे। आंगन में नहीं बैठे, अनजान गाड़ी में सोच समझ के बैठे। हमसे तो गलती होगी, आगे ध्यान रखा। हाँ और इतना बोल रहे आरजे पूरा पुलाइक करे मतलब। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चले मिलो, घबरा गए थे अब आए। देखो डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर डॉक्टर नहीं हम कोई। अब ये जो भी हमारे साथ बैठता है उसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा, तुम मत देखो यार उनका है वो। अरे जिंदगी में बच्चों को सिखा दे जिंदगी भर किसी गाड़ी में अंजाम न बस इतना ध्यान रखना,
और आप बाटिया चिराए पे छोड़ दें। नहीं वही तो छोड़ दे। चलिए ठीक है, ध्यान से आवाज आना। तुमको बहुत हंसी आ रही थी यार, गुई 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 कर रहा।